बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जानवी कपूर को दिख रहा है अपना फ्यूचर? क्या जानवी कपूर का अब प्राइम फोकस है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? जानवी कपूर ने क्या ऑलरेडी विजय देवराकोंडा के साथ एक तेलुगु फिल्म को कर लिया है साइन? जानवी कपूर का बिग एंड बोल्ड करियर मूव। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने बॉलीवुड में अपने लिए बना ली है अच्छी खासी पहचान। जानवी कपूर की अब तक रिलीज हुई फिल्म्स लाइक धड़क, गुंजन सक्सेना और रूही में उनके रोल्स को मिली है काफी तारीफ, और वो बहुत जल्द तीन और फिल्म्स गुड लक जेरी, दोस्ताना 2 और मिस्टर एंड मिसेस माही में आएंगी नजर। लेकिन अपनी इन बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ रिपोर्टेडली जानवी कपूर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और फाइनली रिपोर्ट्स आई हैं कि जानवी कपूर को विजय देवराकोंडा के साथ एक फिल्म मिल गई है जिसे पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें, पूरी जगन्नाथ ही विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को कर रहे हैं डायरेक्ट। रिपोर्टेडली इस फिल्म का नाम जन गण मन होगा, और इस फिल्म में देश की करंट सिचुएशन ऑफ क्राइम्स, बैंड सब्सटेंस अब्यूज, मर्डर्स, करप्शन को दिखाया जाएगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी महीने में ही शुरू होने वाली है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, द शूट ऑफ विजय देवराकोंडा एंड जानवी कपूर फिल्म जन गण मन विल बिगिन बाय फरवरी एंड And the entire shoot film will be wrapped by the month of August. That is during the release of Liger that features Vijay and Ananya Pandey in lead roles helmed by Puri Jagannath. Yani Janvi Kapoor ki Telugu debut film ki puri taiyari ho chuki hai. Aur agar sab kuch theek raha to Janvi Kapoor ki ye film isi saal release ho jayegi. वैसे जानवी कपूर की इस डेब्यू फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है ये काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को कैसा रिस्पांस मिलता है। वैसे अब तक इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बज है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैन इंडिया जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।